ने कहा जारी रखेंगे लड़ाई। कर ढांचे में सुधार के लिए सरकार बनाएगी 3 नए कानून, संविधान में होगा संशोधन। वित्त मंत्री ने कहा जीएसटी से सभी राज्यों को होगा फायदा। वन रैंक वन पेंशन पर सरकार की सफाई, प्रधानमंत्री ने कहा सभी पहलुओं पर विचार के बाद जल्द होगा लागू। कांग्रेस ने दोहराया देरी का आरोप। जासूसी उपकरण खरीदने से दिल्ली सरकार का इनकार, मीडिया में आई खबरें गलत, पक्ष का आरोप निजता में दखल की कोशिश। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। वन रैंक वन पेंशन योजना पर अब सरकार और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इसमें जानबूझकर देरी कर रही है, उधर सरकार का कहना है कि वो इस पर नए सिरे से विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द ट्रिब्यून के इंटरव्यू में कहा कि वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा को लेकर सैन्य बलों से बात चल रही है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी ने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इसकी परिभाषा यूपीए सरकार ने तय कर दी थी। आई कन्वीन द मीटिंग ऑफ ऑल द सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एंड डिफेंस फाइनेंस। इन दैट मीटिंग वी हैव डिसाइडेड, वी हैव क्लैरिफाइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरपी। रक्षा मंत्री रह चुके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एंटनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि 2014 के अंतरिम बजट में वन रैंक वन पेंशन के लिए महज 500 करोड़ रुपए रखे गए थे। The interim budget of Mr. Chidambaram in February 2014 sanctioned a mere 500 crores for it, which is completely inadequate. Secondly, on the 24th of April, Mr. Antony appointed a committee to go into these areas. दरअसल 23 मई को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व फौजियों से मुलाकात की थी। तब उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को अब तक लागू नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन का खाका तैयार हो गया है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। करीब 20 लाख पूर्व सैनिक लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन के तहत समान रैंक और समान अवधि तक काम करने वाले सैनिकों को बराबर पेंशन देने का प्रस्ताव है, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अलग हो। शुरुआत में इस योजना पर 8600 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राहुल दत्ता साहब की, जो कि द पायनियर से हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं और लंबे समय से कवर करते रहे हैं। दत्ता साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मेरा यह सवाल कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर पहले एक राय दिख रही थी और तमाम दल, मैं कहूं कि सहमत से नजर आ रहे थे चुनाव के वक्त, अचानक इसमें जो ट्विस्ट दिख रहा है, पुनर्विचार की बात हो रही है, क्या नजर आ रहा है, क्या वो पेच है जिसके चलते पुनर्विचार है? जहां तक मुझे लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले ये बोला था कि उसको रीडिफाइन करना, मतलब जो आप कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा अलग, उसको नाम दिया जाए मिलिट्री पेंशन। वो मेरे हिसाब से शायद वो इसलिए है कि वो सिर्फ आर्म फोर्सेस, सिर्फ सर्विसेज को दिया जाए, सैन्य बलों को दिया जाए, जिससे कि कल आगे आने वाले वक्त में विवाद ना खड़ा हो। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम कार्य कर रहे हैं, वो भी कुर्बानियां उतनी ही देते हैं जितनी कि शायद सैन्य बल भी देते हैं। तो कहीं कल वो भी कहें कि हम भी उतनी ही टफ नौकरी करते हैं तो हमें भी ये बेनिफिट्स दिए जाएं, मुझे यही समझ में आ रहा है। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस का दावा ये है कि दत्ता साहब की डेफिनेशन पहले से तय कर दी गई थी और उस वक्त सभी पक्ष सहमत दिख रहे थे, जो एक उसका क्राइटेरिया या जो मैं कहूं कि ब्रैकेट जो तैयार किया गया था,
इस बदलाव के पीछे जो आपने वजह बताई है, लेकिन क्या जी शशांक जी, उसके लिए आपको भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, जिसमें उन्होंने डेफिनेशन क्लियर की है। शायद एंटनी साहब उसी का जिक्र कर रहे हैं। अब जी, तो ये जो नई क्राइटेरिया की बात, पार्लियामेंट की रिपोर्ट थी। जी जी बिल्कुल। और जो नई परिभाषा की बात जी, अब क्या लगता है कि इससे एक बड़ा वर्ग जो है वो शायद क्या छूट रहा था या छूटने की आशंका दिखती है? नहीं शशांक जी, वो मैं नहीं समझता हूँ। मुझे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि जो ऑपोजिशन का तो काम है कि आपको, विपक्ष का कि आपको अटैक करे, परंतु वित्त मंत्री साहब कुछ बोल कहते हैं कि फाइल जल्दी सून हो, जल्दी हो जाएगी। उधर से रक्षा मंत्री बोलते हैं वेरी सून। आज भी शायद उन्होंने कल पुणे में भी कुछ बयान दिया है, और आपको पता होगा कि 2-3 वॉर वेटरन जो थे, जो 1971 की और 1965 की लड़ाई में, उन्होंने वो फंक्शन भी बायकॉट किया था कि वो कहने लगे कि हम वन रैंक वन पेंशन जब तक नहीं लागू होगा, हम ये हमारे लिए तौहीन की बात है कि हम ये फंक्शन अटेंड करें। तो मुझे लग रहा है कि ये अब आज वो बयान आ रहा है कि भाई अब लास्ट स्टेज पर है। अब वो क्लियरली, और ये भी वो बोल रहे हैं कि मैं कोई एक टाइमलाइन नहीं दे सकता, पारिकर साहब ने कल ये भी बोला है। तो इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है बनिस्पत इसके कि ऑपोजिशन जो बोल रहा है। लेकिन लगता नहीं है दत्ता साहब कि जिस तरीके से, मतलब रक्षा जो जवान है वहां पर लगे होते हैं, लंबे अरसे से उनकी चिंताएं रही हैं, और जब बयानों की बात आती है, कमोबेश हर दल का नेता उनके समर्थन में खड़ा होता रहा है। 2012 में कहूं कि अब एक गंभीर प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन 2015 आते आते एक बार फिर से ऐसा लगता है कि गाड़ी जहां से शुरू की थी वहीं पर खड़ी होती नजर आती है। मैं आपसे सहमत हूं, आप बल्कि आप खुद भी, आपको याद होगा, अगर आप अपना थोड़ा सा याद करें, मोदी जी ने अपनी इलेक्शन रैलीज में, जब पिछले साल लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने रोहतक में और हरियाणा में और कई जगह रैलीज में शुरुआत ही यह विश्वास दिलाया था कि वन रैंक वन पेंशन जल्द लागू होगा अगर मैं सत्ता में आया। और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इसको टॉप प्रायोरिटी दी थी। तो लाजमी है कि एक्स सर्विसमैन जो हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, या जैसे आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, वो अब हताश हो रहे हैं कि भाई आपने साल भर होने लगा है, कहां वो हमें बताइए तो सही कि क्या प्रॉब्लम है। अब आप उनको समझाना नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहते, पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए, हमें भी तो क्या कर। तो ऐसा लगता है तो साहब कि जो नई परिभाषा के गठन या फिर नई परिभाषा को गठने की कवायद चल रही है, जिसकी बात कही जा रही है, इसके माने तो फिर यही है कि पूरा का पूरा मामला शून्य से शुरू होगा, और जो कवायद होनी थी वो पूरी नहीं 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 नहीं, 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 नहीं शशांक जी, वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका है। और उस पे तो मैं पारिकर साहब की बात से इत्तफाक रखता हूं कि वो बोल रहे हैं कि फाइनल स्टेजेस में है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि मोडालिटीज कैसे, पेमेंट कैसे की जाए, मतलब जो आप पेंशन देंगे उसको किस हिसाब से देंगे, क्योंकि आपको, आपको खुद भी सरकारी मुलाजिम में, आप जानते हैं कि एक सिस्टम से वो पेंशन दी जाती है, तो एड हॉक किस्म से नहीं, तो कल को फिर और विवाद खड़ा हो जाएगा कि एक फौजी को ज्यादा मिलेगी, एक को कम, और वो कोर्ट में जाके केसेस फिर। तो मुझे लग रहा है कि वो वहां पे शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी इन प्रिंसिपल तो किसी भी पार्टी को इससे एतराज नहीं है। तो जिस नए रास्ते या फिर नए क्लॉज की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी कि एक दायरे को बढ़ाने या उसको एक लिमिटेशन की जो बात आ रही है, क्या लगता है कि वो फायदेमंद है सुरक्षा के लिहाज से, जवानों के लिए जो कि सीमा पर अपनी जान देते हैं, जान अचली बरख कर सेवा करते हैं, या फिर कहीं कुछ उससे नुकसान की आशंका भी आपको दिखती है? नुकसान मतलब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मतलब आपका सवाल ये है कि शायद कि ये जो नई परिभाषा से जी जी बिल्कुल कंफ्यूजन खड़ा हो सकता है, ये आप पूछ रहे हैं क्या? जी नहीं, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो उसका जो चार्टर है वन रैंक वन, वो तो क्लियर है। जो आपने शुरुआत में ही अपनी जब आपने जब इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट, आपने बोला कि रिगार्डलेस ऑफ द सर्विस, मतलब इफ द टेन्योर इज द सेम, सर्विस सेम है, तो वो उस पे तो कोई एग्री, उस पे तो कोई विवाद है ही नहीं। तो वन रैंक वन, नेम वेरी, वन रैंक वन पेंशन सेज एवरीथिंग।
एक आखिरी सवाल सर कि क्या लगता है कि जो इंतजार था वो इस नई सरकार के आने के बाद खत्म होता दिख रहा है, या फिर जो पेचीदगियां हैं उनको सुलझाने के लिए सरकार को कुछ और वक्त देना होगा? जी जी सरकार को कुछ और वक्त देना होगा, और जो हमें पता चल रहा है कि शायद इस मंथ इस महीने, मतलब अब तो ये महीना तो खैर खत्म हो गया, जून में शायद जून मिड जून तक, मतलब शायद आपको ये खुशखबरी जो जितने भूतपूर्व सैनिक हैं 25 लाख आपने जो बोला उनको मिलेगी। चलिए सर, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और तमाम तकनीकी पहलुओं को सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आज विकास और तरक्की सबसे ज्यादा बोले जाने वाले जुमले हैं, पर इसमें 20 करोड़ की संख्या छूने की तरफ बढ़ते गरीबों कुपोषितों की गाथा कहाँ है? मीडिया विमर्श से ये सवाल गायब क्यों है? मीडिया को फिलहाल कोई सरोकार ही नहीं है कि कैसे देश की गरीबी को कम किया जाए, कैसे हेल्थ सेक्टर में सुधार किया जाए। ये विज्ञापनों को कंपनियों के माल को आपके यहाँ पहुँचाने का जरिया है। मेल नरिश बच्चे जो है उसका 40% दुनिया के जो मेल नरिश बच्चे हैं वो भारत में है। देखिए मीडिया मंथन आज शाम 7:30 बजे। केंद्र सरकार ने तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम को संसद की परंपराओं के खिलाफ बताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो एनडीए के भूमि बिल का विरोध जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से लाने को मंजूरी दी गई। पिछले साल दिसंबर में यह अध्यादेश पहली बार जारी किया गया था, लेकिन संसद की मंजूरी न मिलने के बाद मार्च में इसे फिर से जारी किया गया। इसकी अवधि 4 जून को खत्म हो रही है। तो जो 13 नए एक्विजिशन को हमने अपने प्रपोज बिल में सम्मिलित किया है जो यूपीए के बिल में नहीं थे, उसमें कंपनसेशन मिलने में कठिनाई होगी और किसानों को परेशानी न हो, तो किसानों के मुआवजा के संबंध में कोई कठिनाई न आए और कंटिन्यूटी रहे, इसको लेकर हमने उसको पारित किया है। कांग्रेस ने बार बार अध्यादेश लाने के लिए सरकार की आलोचना की है। पार्टी के मुताबिक जब भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति के पास है तो सरकार को इसे लाने की क्या जरूरत थी। दूसरे दल भी सरकार के इस कदम के खिलाफ हैं। देश के किसान के साथ एक छलावा है, एक क्रूर मजाक है और एक निष्ठुर मजाक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद का भी अपमान किया है, क्योंकि देश की संसद इस किसान विरोधी अध्यादेश को पारित करने से इनकार कर चुकी है। भूमि किसानों के जमीन को छीन करके छीनने की इनकी मंशा जगजाहिर है, और भूमि अधिग्रहण बिल लाकर और इसको इन्होंने अपने प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया है, और प्रतिष्ठा के साथ इसलिए जोड़ा है कि वह उनका सिद्धांत है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये कानून या ये संशोधन विधेयक जब पेश किया जाएगा इसको हम पार्लियामेंट में हराएंगे, राज्यसभा में, और देश में जिस तरह किसान सब जगह इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इसको वापस लेने के लिए। भूमि अधिग्रहण बिल पर संसद की संयुक्त समिति की शुक्रवार को पहली बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, बीजेडी, टीएमसी और वाम दलों ने सहमति वाला प्रावधान हटाए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से सफाई मांगी। इन दलों ने जानना चाहा था कि साल 2013 में बने कानून को बदलने की आखिर क्या जरूरत है। 2013 के कानून में निजी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर 80% और पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70% जमीन मालिकों से सहमति को जरूरी बनाया गया था। सरकार संशोधन के जरिए 5 श्रेणी के लिए अधिग्रहण को इस सहमति से अलग रखना चाहती है। इस बीच दैनिक अखबार द ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो किसानों के हित में सभी सुझावों पर गौर करके ही इससे जुड़े विधेयक को संसद में पारित कराने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती देशभर में धूमधाम से मनाएगी।
इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत शामिल हैं। सरकार अंबेडकर की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेगी। इसके अलावा बाबा साहब की स्मृति में 15 जनपद पर एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र भी बनाया जाएगा। हम उनके कद, भारत के प्रति उनके योगदान को पूरा दृष्टिगत रखते हुए उनके 125वें वर्ष को बहुत ही प्रभावी रूप से मनाएंगे। केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले में 29 शहरों में केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए और ट्रेवल अलाउंस में बढ़ोतरी की है। सरकार ने यह कदम 2011 की जनगणना के आधार पर उठाया है। ये फैसला 1 अप्रैल 2014 से लागू होगा। इससे सरकारी खजाने पर 128 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने दोनों देशों के बीच एक करार को मंजूरी दी है, जिसमें मानव तस्करी को रोकने और पीड़ितों को उनके परिवारों से मिलाने के उपाय होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में मानव तस्करी रोकने, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के खास प्रयासों पर जोर दिया गया है। माना जा रहा है कि समझौते से दोनों पड़ोसी देशों में संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ जल्द जांच और अभियोजन में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दो अंकों में वृद्धि करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कर सुधारों के तहत जीएसटी में संविधान संशोधन के जरिए 3 नए कानून लाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट पेपर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 1000 रुपए के नोट की छपाई के लिए करेंसी पेपर नासिक के लिए रवाना किया। मेक इन इंडिया अभियान की कड़ी में अब देश में ही 1000 रुपए का करेंसी कागज तैयार होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को होशंगाबाद में प्रतिभूति प्रेस की नई करेंसी पेपर यूनिट का उद्घाटन किया। इसकी लागत 495 करोड़ रुपए है। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते देश में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हालात तेजी से सुधरे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून लागू होने से सभी राज्यों को फायदा होगा। इस कानून के तहत 3 लेजिस्लेशन आएंगे, एक राज्यों के टैक्स के संबंध में आएगा, एक केंद्र के आएगा, एक इंटरस्टेट में आएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये जो 3 कानून आएंगे, आगे की टैक्सेशन व्यवस्था देश भर में ये तीनों रेगुलेट करेंगे। वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंधों की हिमायत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लोगों की जासूसी कराने की तैयारी का आरोप लगाया है। उसने एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी को अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों से लैस करने के दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव का विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली सरकार इस तरह के किसी भी प्रस्ताव से इनकार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये हैं बीजेपी कार्यकर्ता। इनका आरोप है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों की जासूसी कराना चाहती है और उनकी निजता खत्म करना चाहती है। आपने किस तरह से ये दुस्साहस किया कि आप इस तरीके से आप दिल्ली के लोगों के मोबाइल टैप करेंगे? आपकी मंशा क्या है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव की निंदा की है। तो आज कहीं ना कहीं लगी हुई है, जो कि ये नोट इतना बड़ा 16 पेज का निकल करके आया है, जिसके अंदर ऐसी जानकारियां हैं जो कि साधारण लोगों को नहीं हो सकती। दरअसल मीडिया में खबर आई थी कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर एक जासूसी प्लान तैयार किया है। इसमें एंटी करप्शन ब्रांच को किसी भी तरह की जासूसी का अधिकार होगा। एसीबी अपनी पड़ताल के दौरान अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती है। दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को तैयार करने से इनकार किया है। विपिन चौहान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गवांग ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। भुवनेश्वर में उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजने की बात कही। गवांग ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी और इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया। गवांग राज्य की कोरापुर सीट से लगातार 8 बार सांसद रहे। इसके बाद 2004 में वो इस सीट से 9वीं बार चुने गए। गवांग के मुताबिक 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ मतदान करने के बावजूद उनके साथ कांग्रेस में बुरा व्यवहार हो रहा था। उन्होंने फिलहाल किसी भी पार्टी में जाने का ऐलान नहीं किया है। आफ्टर 33 इयर्स रिमेन इन कांग्रेस
member resigned from Congress party, the issue which is still around the country, that Girdhar Komanga, then he was chief minister. उत्तराखंड में दो साल पहले आई भीषण प्राकृतिक आपदा के वक्त अधिकारियों की ओर से पद के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी से इसका खुलासा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये वो बिल है जो 2013 में उत्तराखंड आपदा के राहत अभियान में जुड़े अधिकारियों ने लगाए थे। उत्तराखंड में सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में खुलासा हुआ है, केदारनाथ त्रासदी के बाद लगाए गए राहत कार्यों के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जी बिल लगाए गए, लाखों रुपए का हेरफेर किया गया। कुछ नंबर बजाज चेतक स्कूटर के थे, उनमें 30 लीटर डीजल डाला गया बजाज चेतक में, और मोटरसाइकिल में 16 लीटर डीजल, ऑटो रिक्शा दिखा दी वहाँ चमोली जिले में चलते हुए, उनमें 30 लीटर डीजल। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने इस मामले में करोड़ों की गड़बड़ी की आशंका जताई है। आयोग ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। देवभूमि में जो बटर चिकन और इस तरह के जो बिल आए हैं, और 5 सितारा होटल के जो है जो रहने के बिल आए हैं, तो वो एक गंभीर विषय तो है ही है। बीजेपी ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अब जो अनियमितताएं हुई उसके बाद, जिस सीमा तक की अनियमितताएं हुई, हेलीकॉप्टर में बहुत बड़ा घोटाला है हेलीकॉप्टर की सेवाओं में। कांग्रेस नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई चीज ऐसी आई है तो सरकार उस पर जांच करेगी और निश्चित जांच करेगी, और यदि कोई भी अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया गया था। इस प्राकृतिक आपदा में 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सात ब्लैटर लगातार 5वीं बार विश्व फुटबॉल महासंघ यानी फीफा के अध्यक्ष चुने गए। वो अगले साल 4 साल तक इस पद पर रहेंगे। ब्लैटर ने जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन को हराया है। हालांकि फीफा अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के साए में हुआ यह चुनाव कई मायनों में अहम रहा। जीत के बाद ब्रिटेन ने कहा कि विश्व फुटबॉल को मजबूती देना उनकी प्राथमिकता होगी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में विश्व फुटबॉल महासंघ ने 79 साल के सेप ब्लैटर को अध्यक्ष चुन लिया। इस पद पर ब्लैटर की 5वीं बार ताजपोशी का जश्न कुछ इस अंदाज में मना। फुटबॉल के किसी रोमांचक मैच की तरह शुक्रवार को हुए चुनाव में एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस सब कुछ नजर आया। ब्लैटर को 209 वोटों में से 133 वोट हासिल हुए। I like my job and I like to be with you. I'm not perfect. Nobody is perfect. But we will do a good job together, I'm sure. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Thank you. Thank you so much. इस पद के लिए जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन ने भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पहले दौर में पिछड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अल हुसैन 73 वोट ही हासिल कर सके। A wonderful journey in terms of knowing you, working with you, seeing the challenges you have. And I want to thank in particular all of those of you who were brave enough to support me. FIFA अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच हुए इस चुनाव का अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने विरोध किया है। Members of that organization cast votes to choose their president. हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही अधिकारियों पर चल रही जांच को अमेरिकी साजिश बता चुके हैं। अगले 4 साल के कार्यकाल में सेप ब्लैटर के सामने कई चुनौतियां होंगी। फुटबॉल महासंघ को भ्रष्टाचार के आरोपों से बाहर निकालने के साथ साथ दुनिया के इस सबसे लोकप्रिय खेल को शिखर पर पहुंचाना भी उनके ही जिम्मे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जापान में 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र राजधानी टोक्यो के दक्षिण हिस्से से करीब 870 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में बताया गया।
हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे जापान के कई इलाकों में भूकंप के झटके आए। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड में भी भूकंप के झटकों की खबर है। राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बात मौसम की, देश भीषण गर्मी से इस वक्त जूझ रहा है। मॉनसून के एक या दो दिन देरी से आने की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मॉनसून को 30 मई को केरल तट पर पहुंचना था, लेकिन प्रशांत महासागर में बन रहा अलनीनो प्रभाव से इसकी रफ्तार कुछ धीमी होती बताई जाती है। देश में गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक यह आंकड़ा 1900 को पार कर चुका है। तेलंगाना में मरने वालों की संख्या 541 पहुंच गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लू के थपेड़ों का सितम जारी है। इलाहाबाद में आज तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान के कोटा में 44.5 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा और पंजाब में भी पारा 41 और 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।